वित्त मंत्री सीतारमण ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी के बीच पश्चिम देशों को आगाह किया है। वित्त मंत्री का कहना है कि भविष्य में विकसित देशों को अपने राजनीतिक, आर्थिक और नीतिगत फैसलों के वैश्विक प्रभाव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को अमेरिका पहुंची वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, बैठक के दौरान वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना को गलत तरीके से पेश किया जाता है। इस योजना का मकसद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि कुशल और अर्ध कुशल दोनों तरह के रोजगार में इजाफा हो। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के रुपए पेमेंट सिस्टम को अब सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में मान्यता मिल गई है। इन दोनों देशों में रुपए कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। वहीं अन्य देशों में भी इसकी स्वीकारिता के लिए भारत सरकार लगातार संपर्क में है।